हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फिल्मोरा गो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। जहाँ फ्रेंड्स, ये एक एडिटिंग एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, इसकी मदद से फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल में ही आप जो है अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो, फोटो से वीडियोस बना सकते हो, अलग अलग इफेक्ट देकर वीडियोस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर अपने एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे इसे यूज करना है, कैसी एप्लीकेशन है, पूरा कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, करना क्या, आपको वीडियो को कम्प्लीट देखना है विदाउट स्किप किए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं निंजा सम्राट। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम फिल्मोरा गो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इसे हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। फ्रेंड्स, आप ही प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर वाटरमार्क आएगा क्योंकि उसके रिमूव करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप फ्री में भी विदाउट वाटरमार्क के यूज़ कर सकते हैं फिल्मोरा गो। आप गूगल में सर्च करके जैसे फिल्मोरा गो APK विदाउट वाटरमार्क सर्च करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको देखिए कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, यहाँ से आप क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, और भी फीचर्स मैं इसमें का बता दे रहा हूँ आपको, जो कि आप सिर्फ सिंगल क्लिक से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स, ये सर टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी टेम्पलेट है। अगर आप क्लिक करेंगे तो यही सब टेम्पलेट जो है दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो ये सब टेम्पलेट आप देख रहे हो जो हो रहा है, इसके अंदर अपना सिर्फ फोटो ऐड करना, बाकी एनिमेशन ये खुद ही कर देता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसकी फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी कोई एक वीडियोज़ ले लेनी, तो चलिए हम एक वीडियोज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स ये कार्टून की वीडियोज़ है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने के लिए लिया हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर दिया हुआ है और एक कार्टून की एक वीडियोज़ है, अगर मान लीजिए आपको एडिट करना है तो आप कैसे एडिट करेंगे, ठीक है, चाहे आपकी खुद की बनाई हुई वीडियो या कोई भी वीडियोज़ हो। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ वीडियो की लेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप लेयर पर क्लिक करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है ऑप्शन फ्रेंड्स, इसका काम होता है बीच में से वीडियो को कट करना। देखिए जैसे हम इसके ऊपर क्लिक किए तो ये देखिए ये दो पार्ट में हो गया, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये पार्ट डिलीट करना तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये बीच में पार्ट्स कट हो गया। अभी मान लीजिए फ्रेंड्स आपको यहाँ के बीच में जो है पार्ट कट करना, तो यहाँ पर देखिए क्लिक किए तो हम देखिए ये आगे का वीडियो और यहाँ पर देखिए पीछे का वीडियो पड़ा है, लेकिन बीच का दो भाग हमें कटा हुआ दिखाई रहा। आप चाहो तो इस पार्ट को इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे हम वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब के लिए बनाते हैं या फिर किसी के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, उसके अंदर कुछ गलतियाँ होती है, बोलने में मिस्टेक होता है, तो आप जो है उस पार्ट को यहाँ से कट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेंड्स आप अनवांटेड जो भी पार्ट्स हैं वीडियो क्लिप में आप उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हमसे गलती हो ही जाती है, ठीक है। यहाँ तक बहुत ज़रूरी होता है सीखना। तो चलिए मान लीजिए आपको यहाँ तक आ गया, हम इस डिस्क्लेमर को भी यहाँ से जो है डिलीट कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर काम कर दिया, देखिए डिस्क्लेमर भी नहीं है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, इन सबका क्या है मैं आपको बता। देखिए पहला जो है एनिमेशन का है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड देखिए यहाँ पर एनिमेशन मिल जाता है जो आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। ये फ्रेंड्स इन आउट और कॉम्बो दिया हुआ है। इन मतलब होता है कि फ्रेंड जैसे फ्रेंड्स आपको वीडियो स्टार्टिंग होगा वो वहाँ पर, और आउट मतलब कि फ्रेंड्स वो बाद में होगा लास्ट में, कॉम्बो मतलब पूरी वीडियो तक वो रहेगा। तो इस तरीके पर फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद वो एनिमेशन ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करें तो एनिमेशन मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उसे टाइमिंग इंक्रीज़ कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरीके से, और फ्रेंड्स ये जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ से। तो हम यहाँ फुल पे रहने देते हैं, और अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी जो वीडियो में वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपका पिक्चर फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो है क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्रॉप कर दिया और ऑटोमेटिक वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये स्पीड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट्स है जैसे आप खाना बना रहे हैं तो बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करना चाहेंगे यानी जल्दी में सब कुछ बता देते हो, उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको जहाँ से भी सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो को यहाँ पर प्लेट पर क्लिक करके यहाँ पर कट कर लेना है। अगर मान लीजिए हमें इतना भाग जो है
स्पीड करना तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे, ठीक है। इतने भाग को आप देख सकते हैं जो रेड कलर में भाग दिख रहा है, इतने भागों में स्पीड में करना है। तो देखिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, बीच वाले भाग को स्पीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए नॉर्मल है और ओवर है, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करेंगे ओवर में, आप इसे देखिए जितना चाहो उतना ये 100x तक जो है फास्ट मूवमेंट करेगा। तो ओके कर देते हैं हम। तो देखिए कितना बड़ा था पहले रेड, अभी कितना छोटा हो गया। अगर इसको हम प्ले करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत फास्ट होगा, देखिए देखिए इतना फास्ट हो गया कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक आते हैं और यहाँ पर फ्रेंड देखिए रोटेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने इस फ्रेम को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स वैसे ये रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिररिंग का अगर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपोजिट में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब मिररिंग जैसा हो जाएगा। तो ये सब इफेक्ट फ्रेंड्स आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, इसे फ्लिप कर सकते हो ऊपर नीचे इस तरीके से, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। तो चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फेड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो ये जो है जैसे कि आपकी वॉइस जैसे ना फ्रेंड्स वीडियो में इन मतलब होता है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में, जैसे आप स्टार्टिंग में स्लो से स्टार्ट होगी और एंड में आप करेंगे तो उस तरीके से फ्रेंड्स आप जब एंड होगा वीडियो का वहाँ से फ्रेंड्स आप जो ये स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके पे आप सेट कर सकते हैं। तो अभी बैक आते हैं, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रिवर्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप अपनी वीडियो को ना फ्रेंड्स हम कैंसिल करते हैं, आप अपनी वीडियो को रिवर्स कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए किसी पेड़ के ऊपर से आप कूद रहे हो, बाद में वीडियो रिवर्स होगा तो ऐसा लगेगा कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ऐसा होता है रिवर्स वीडियो में फ्रेंड्स, ये ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ईजी इसे यूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि आपको इसके अंदर और वीडियोज़ ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर आप क्लिक करके फ्रेंड्स एक्स्ट्रा वीडियोज़ या फिर फोटोज़ फ्रेंड्स इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर फोटोज़ ऐड कर दिया, इसी तरीके से फ्रेंड्स आप इसके अंदर वीडियो को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स एक बात और, यहाँ पर देखिए ऐड माय म्यूज़िक, फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप कोई अपना म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो वो फ्रेंड्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऐड माय म्यूज़िक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जो भी म्यूज़िक रहेंगे ना, यहाँ पर देखिए फ्रॉम डिवाइस लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन में म्यूज़िक रहेंगे वो आपको शो करेगा, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स आपके पास कोई वीडियोज़ है उसमें की ऑडियो चाहिए तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंपोर्ट कर दीजिए उस वीडियो को, तो फ्रेंड्स वीडियो इंपोर्ट ना होकर बस उसकी जो ऑडियो फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी ऑडियो ऐड कर सकते हो, यहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो, यहाँ पर माय म्यूज़िक है, यहाँ पर इफेक्ट दे सकते हो उसके अंदर फ्रेंड्स, जो भी म्यूज़िक वगैरह रहेगी उसके अंदर आप इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे डाउनलोड करके यहाँ पर फ्रेंड देखिए हमने एक ऐड कर दिया इफेक्ट, और इसकी जो वैल्यूम है स्पीड वगैरह भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सब बेसिक से फ्रेंड्स जैसे आप यूज़ करके वैसे पता चलेगा। और एक खास बात फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने वीडियोज़ बनाया कुछ उसके अंदर कमी है या फिर वीडियो है या फिर आपका फोटोज़ है, फोटो डाल दिए उसके ऊपर ओवर वॉइस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने फोटोज़ या वीडियो डाल दीजिए, यहाँ से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जब आपकी वीडियोस पूरी बन के कम्प्लीट हो जाती है तो आपको करना क्या फ्रेंड्स, देखिए अभी मान लीजिए हमारी पूरी वीडियोस बन के कम्प्लीट हो गई है और इसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप इसके अंदर लेयर वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैनवास का आपको ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर फ्रेंड्स बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप ब्लर वगैरह भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत है इसके अंदर चीज़ें बताने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स अभी वो सब बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा बहुत आप भी इसे ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी वीडियोस पूरी बनके कंप्लीट हो जाए तो आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगी बनके तो आपको करना क्या है, बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये वीडियो जो है फ्रेंड्स एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार हो गई है, आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स टाइमिंग दे रहा है 100 तक होगा और आपकी वीडियोज़ आपके फ़ोन गैलरी में जो है डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद फ्रेंड्स आप कहीं भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा। तो फ्रेंड्स मिलते कल।